हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। और अभी सुबह का 5:30 हुआ नहीं, 5:15-20 के करीब है। मैं इतना सुबह सुबह क्या कर रही हूँ? एक्चुअली मैं 4:30 बजे एवरीडे उठ जाती हूँ। मैं का ब्रेकफास्ट ज़्यादा कुछ बनाना था नहीं, तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया और 5:15-20 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना प्लांट्स का थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना प्लांटिंग करो तो एकदम दिल को ना सुकून सा मिल जाता है मेरा, मुझे तो ऐसे ही होता है। और ऊपर आके मैं देखी कि पूरा येलो येलो पत्ता से भरा हुआ है प्लांट्स। एक्चुअली बारिश का मौसम में ना ऐसा होता है, अगर प्लांट्स में आपका पानी मतलब बारिश का पानी नहीं लगे तो ये मतलब क्या होता है ना, मेरा प्लांट्स थोड़ा अंदर में है, बालकनी में है, तो बारिश का पानी तो इसमें लगता नहीं है। बहुत ही कम मैं पानी देते रहती हूँ इसमें ऊपर से, मतलब घर का ही, तो इसलिए प्लांट्स भी कहते हैं कि मुझे बारिश का पानी चाहिए, इसीलिए ना येलो येलो पत्ते आ जाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर आया है। मेरा ये प्लांट्स ना बहुत पुराना है तो इसमें अभी फ्लावर सारे आने लगे हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में जब प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, हरा भरा प्लांट्स रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी सुबह सुबह पानी दे देती हूँ और बारिश का मौसम है, लेकिन देखिए कैसे सूख रहा है। कल शाम को 3:30-4 बजे मैं पानी देके गई थी तो बस आधा आधा प्लांट्स थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। तो सुबह सुबह पानी दे देने से ना प्लांट्स का खाना पीना ठीक ठाक हो जाता है। और ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट्स, और ये मैं लाई थी ना जो स्टेम लगा दिया था तो उससे पत्ते होने लगे, तो देख के भी खुशी होती है ना एक तरह का, कि आप जो स्टेम लाओ या कुछ भी लाओ तो उसको मतलब रिपोर्टिंग करने से उसमें से प्लांट्स जब निकलते हैं ना, मुझे तो बहुत ही सुकून सा मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। और ये सारे जो प्लांट्स हैं ना, ये थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं। अब ये सारे प्लांट्स को मैं सोच रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा मतलब रिपोर्टिंग कर दूँ, बड़ा बड़ा टब में ट्रांसफ़र कर दूँ। और यहाँ पे देखिए साइड से, मैं ख्याल ही मुझे नहीं आया था मेरा मनी प्लांट्स जो है वो खुल के नीचे एकदम देखिए गिर रहा था, तो मेरा अचानक से ध्यान गया, पानी देने गई थी तो देखिए कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा हो गया। और साइड से ये लटक रहा था नीचे की तरफ, तो मैं उठा के इसको एक जगह पे प्लेस कर दूँगी। तो बहुत सुंदर लगते हैं ये मनी प्लांट्स देखने में। और मैंने इससे ना छोटे छोटे बहुत सारा प्लांट्स निकाले, और ये सारे जितने पत्ते और गंदा था ना, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि अभी टाइम है हाथ में, ये झाड़ू लगा देती हूँ सही रहेगा। स्केटिंग नहीं है, ब्लैक शू है। हेलो। एवरी डे ब्लैक शू पहना नहीं तो केस, तुम्हारा तो स्केटिंग रहता है, पीटी भी रहता है, हैं? बेटा 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 बाय। मैंग जब चला जाता है ना स्कूल 2-3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, जितने भी हो, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भी जाता है, मेरा मन एकदम ना उदास हो जाता है। मन तो करता है कि इसको स्कूल जाने ही ना दूँ, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, स्कूल नहीं जाएगा तो चलेगा नहीं। तो बस मैं इंतज़ार करती हूँ ना कब उसका टाइमिंग ख़त्म हो, वो कब घर आए और उसके साथ मैं ढेर सारा बातें करूँ। और ये देखिए दुर्गा पूजा स्टार्टिंग, वहाँ से लकड़ी जा रहा है, बांस जिसको बोला जाता है, वो पंडाल तैयार होने के लिए अभी से स्टार्ट हो चुका है कोलकाता में। जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही है। और बस यहाँ पे मैं अपना काम करने लगी थी, मशीन में कपड़ा लगा रही हूँ। ये तो सुबह का सबसे ज़रूरी काम होता है कि सुबह सुबह मशीन लगा दो आप, नहीं तो बस सारे कपड़े जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा दिया। अच्छा, बहुत जन मुझे पूछ रहे थे, ये ना इसका कोई बाइंग लिंक नहीं है, ये सैमसंग का है,
नए मॉडल है और मैं स्टोर से जाके इसको ली हूँ और बाकायदा स्टोर में जाके देख के इसको मैंने परचेज़ किया है। तो इसका बाइंग लिंक मेरे पास नहीं है, मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है। और ये हाँ, ये बहुत हेल्पफुल है, काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छा भी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो बस ऊपर आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी तो नहीं बोल रही हूँ लेकिन एक आगे देखिए आपको पता चलेगा। मैं एक्चुअली वाइट मटर जो होते हैं ना वो भिगो दिए थे, तो इसी का ये एक बहुत अच्छा रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मटर को ना आप चार पांच पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसमें जो गंदा वगैरह रहता है ना वो सारे निकल जाए, और जो इसका पानी भी थोड़ा वॉश करने से ना थोड़ा गंदा निकलता है एक्चुअली, तो वो भी वॉश हो जाए अच्छे से। तो इसलिए चार पांच पानी से मैं एक्चुअली रात को वॉश करके ही मैं इसको सोक किया था, लेकिन फिर भी सुबह में मन का तसल्ली के लिए मैं चार पांच पानी से इसको वॉश कर लेती हूँ बहुत अच्छा से। तो ये वॉश हो चुका है, तो बस मैंने मीनवाइल कुकर ले लिया, कुकर में इसको बॉइलिंग पे चढ़ाऊँगी। मैं सबसे पहले इसको बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इसका प्रोसेस करेंगे। ईजी प्रोसेस मैं बना रही हूँ, रेगुलर बेसिस का है, आप रेगुलर बेसिस बना सकते हो घर में, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसमें एक तेज पत्ता मैंने ऐड किया है और कुछ भी नहीं, बस लीड लगा के इसको चार सीटी लेंगे और दो सीटी इसका स्लो फ्लेम में लेंगे तो ये पक जाएगी। तो मीनवाइल मैं कटिंग चॉपिंग सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। बाय द वे ये भी एक बात है कि ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है नया वाला, इसका भी बहुत सारा सवाल आया था परचेस का बाइंग लिंक दे देने, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है जो मैंने आपको बाइंग लिंक देना है। तो बस इसका कहानी मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने प्याज ले लिया था चार एक रफली चॉप किया, उसमें डाली हूँ हरी मिर्च कुछ, और उसके साथ ही इसको मैं पेस्ट बना लूँगी बहुत अच्छा सा, मतलब एकदम फाइन जो पेस्ट होती है। इसमें थोड़ी सी मेथी दाना मैंने डाला है, थोड़ी सी ज़ीरा ऐड किया, और इसके साथ जो मटर मैं बॉयल की अभी अभी तो वो बस मटर थोड़ी सी मैंने डाला थोड़ी थिकनेस के लिए, आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। बस सूखी हुई लाल मिर्च मैंने एक ऐड किया इसमें, तो बस इसको मैंने एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है, लुक एट दिस। तो ये पेस्ट मैं बाद में यूज़ करूँगी, फ़िलहाल मेरा मटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बस मैं जाऊँगी अभी फ्रिज के तरफ क्योंकि मुझे दही निकालना है, दही वाली बना रही हूँ मैं, और दही थोड़ी सी दूसरा तरीका से मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बस रात को कल मैं दही जमाई थी, ये तो मेरा एवरी डे बेसिस में हो गया है कि रात को दही जमाना, क्योंकि बच्चा मेरा दही उसको चाहिए चावल के साथ, वो उसका फेवरेट है, दोपहर का लंच में उसका दही चाहिए ही चाहिए, चावल हो दाल हो कुछ भी हो रोटी हो सब्जी हो उसको दही तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट होता है जी। और दही बहुत थिक जमती है, तो ये देखिए एकदम जो शॉप में मिलती है ना दही उसी तरह का दही जम जाती है मेरी। अभी दही जमाते जमाते मेरा आदत हो गया, ये मत पूछिएगा कि आप ऐसे दही कैसे जमा लेते हो, पिछले 11-12 साल से मैं दही जमा रही हूँ, मतलब पहले पहले नहीं होता था अभी हो जाता है एकदम इसी तरह का। पर चलिए दही में मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड कर देना है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, बाय द वे ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, ये तीखी वाली नहीं है, थोड़ी सी धनिया की पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पे, और उसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर, ये तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, अब अलग से बाद में भी ऐड कर सकते हो लेकिन यहाँ पे ऐड करने से ना थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब टेस्ट में फ़र्क आता है। थोड़ी सी मीट मसाला मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, मीट मसाला ऐड करने से ना टेस्ट में सच में इतना फ़र्क आ जाता है, इतना फ़र्क आ जाता है, आप एक बार यूज़ करके देखो। ये वेजिटेरियन है, ये मसाला नाम का मीट मसाला है, मसाला तो मसाला ही होता है, तो इसमें कोई मटन वटन कुछ है नहीं, नॉर्मल मसाला है। तो बस इसको मैं
एक मतलब पेस्ट बना लूँगी फाइन सा, थोड़ी सी पानी ऐड कर लीजिएगा। तो पानी ऐड करने से क्या होता है ना, ऊपर से तो एक पेस्ट फाइन बन जाता है, एक घोल टाइप का बन जाता है। तो बस इसीलिए मैं बीट करके अच्छे से इसको एक पेस्ट बना लूँगी, ये मेरा बाद में काम में आएगा। तो मेरा दो दो ग्रेवी बेस रेडी हो चुका है, चलिए, और मेरा मटर भी बॉयल हो चुका है। तो अभी मेन प्रोसेस करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और बाय द वे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में ऐड करी हूँ मस्टर्ड ऑयल। बाय द वे, ये सरसों का तेल में ही बनता है, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ी सी ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा फ्लैटर करते ही जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ, और थोड़ी सी रिंस करके पानी ऐड कर दिया। बस आप इसको मिक्स देना है, बहुत अच्छा से इसको मिक्स 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 करते जाना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। ढक्कन लगा के इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम में पका लीजिए, उबाला आ जाए। देखिए अच्छा खासा उबाल आ चुका है, इसका मॉइस्चर लूज़ होने लगा है, मतलब मॉइस्चर इसका ख़त्म होने लगा है। तो नीचे ये चिपक ना जाए, इसी के लिए बीच बीच में आप इसको स्टर देते रहिए ताकि ये नीचे से चिपके ना एक्चुअली। तो देखिए ये यहाँ पे अच्छा खासा उबाल आ चुका है, ढक्कन लगा के थोड़ा सा और पकाएंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम में, ताकि इसका जो पूरी तरह से पानी है ना इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, नमक ऐड करने से ना प्याज थोड़ी जल्दी पक जाती है। तो देखिए इसका मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा है, और नीचे से थोड़ी थोड़ी ना चिपकने ना लगे, इसके लिए मैं थोड़ी सी चिपक रहा था मुझे लग रहा था, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है, तो बस इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद भी आप लोगों को पता है अच्छे से इसको स्टर देना पड़ता है जब तक इसका जो कच्चेपन का स्मेल है ना जिंजर गार्लिक का वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको पकाना होता है। तो मैं वही कंटिन्यूअसली स्टर देते हुए इसको अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो खाने पे ना एक अजीब सा स्मेल आ जाती है। लेकिन अगर स्मेल ख़त्म हो जाए ना टेस्ट बहुत अच्छा करती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी उबाल आने लगा है, मीडियम टू स्लो फ्लेम में मैं ये चीज़ कर रही हूँ, बार बार स्टर दे रही हूँ और बार बार इसको पका रही हूँ। तब तक मेरा कम से कम 15-20 मिनट लगा, और बस यहाँ पे जो मसाले मैं घोल के रखी थी पेस्ट बना के, वही मसाला ऐड किया, रिंस करके पानी ऐड किया फिर से। अब ये मसाले को पकाना है प्याज के साथ आपको 2-3 बार, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन टेस्ट में तो ये बेस्ट है जी। कभी आप बना के देखिए, आप माइंड ब्लोइंग बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस एकदम क्रीमीनेस आएगा इसमें, ये ना एक्चुअली मलाई मटर है, मलाई मटर का रेसिपी मैं दिखा रही हूँ आपको, मलाई मैं लास्ट में ऐड करूँगी। इसमें मैं चीनी थोड़ा सा ऐड कर दिया, शुगर तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, शुगर बिना ऐड किए ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होता है, पूरा खट्टा खट्टा लगेगा नहीं तो। और जो मटर मैंने रखा था यहाँ पे बॉयल करके, वो मटर मैं ऐड कर दूँगी अब इसमें, और मटर ऐड करने के बाद एक क्रीमीनेस आएगा। और इसके साथ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि इसका कलर मुझे पूरा पीला पीला लग रहा था, वो हमको नहीं चाहिए था, हमको एक्चुअली इसमें चाहिए थोड़ी सी अच्छा सा कलर। बस ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे 10-1 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम में। तो लुक एट दिस, इसमें आने लगा है उबाल। तो बस अब इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ, घर की बनी मलाई, मलाई ज़रूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि ये मलाई मटर की रेसिपी है, तो मलाई तो ऐड करना ही करना है जी। तो बस यहाँ पे मलाई मैंने ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा स्टर दे देंगे, तो अच्छी खासी इसमें स्टर दे देंगे, इसमें उबाल आ जाएगा। और आप चाहे तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से तड़के भी लगा सकते हैं ऊपर से, बहुत टेस्टफुल लगता है, मतलब अच्छा लगता है। ऊपर से मैं सिर्फ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और वो भी बीच से थोड़ी सी स्प्लिट करके मैं ऐड कर दिया है।
और आप चाहे तो धनिया की पत्ती, मेथी का पत्ता सब ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी रोटी, क्योंकि मलाई मटर तो हो गई कंप्लीट, सबको ब्रेकफास्ट भी कराना है, तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेकने लगी हूँ। और ये जो मेरा रोटी मेकर है ना, इसमें माइंड ब्लोइंग रोटी होता है, मतलब जितना जल्दी हो रोटी इसमें कंप्लीट हो जाता है और उतना प्रेशर भी हमको लेना नहीं पड़ता है एक्चुअली। और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है कि गैस के सामने आप खड़े रहो, रोटी बनाओ, वो चीज़ भी नहीं होता है। और रोटी आपकी फटाफट नरम नरम फुली फुली रोटियां बन जाती है, आपको टेंशन भी नहीं रहती है कि रोटियां फूलेगी कि नहीं फूलेगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है। तो मैं तो इसी में ही रोटी बनाती हूँ अब, ज़्यादा मतलब गैस में बनाती हूँ थोड़ा बहुत इक्का दुक्का, लेकिन इसी में ही ज़्यादातर रोटी बन जाती है। और इसका रोटी ना वो आप रख भी दो बहुत देर तक तो एकदम सॉफ्ट रहता है रोटी। और आप एक बार बना के देखिएगा अगर आपके पास हो रोटी मेकर तो। मैंने तो ये लिया था बहुत पहले, किसी ने बाइंग लिंक मांगा था, लेकिन बहुत पहले लिया था, तो बाइंग लिंक अभी मेरे पास है नहीं। और ये था आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट, मलाई मटर रोटी और उसके साथ ही अंडा, अंडा ज़रूर से चाहिए होता है सबको। तो बस ये था हम लोग का सिंपल सा ब्रेकफास्ट। आप लोग भी अगर इंजॉय किए हैं ब्रेकफास्ट तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कैसा लगा ब्रेकफास्ट आप लोगों को। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद काम थोड़ी ख़त्म हो जाता है, ये देखिए ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद जितना सारा बर्तन था, कल रात का भी थोड़ा बहुत बर्तन था, वो सारे मैंने लगाया। मैंने सोचा कि चलो बर्तन लगा दिया है, अभी डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ, लेकिन ऑन किया तो किया मैंने, लेकिन उसका रिंस एड ख़त्म हो चुका था। ये देखिए इंडिकेट कर रहा है, रेड लाइट का इंडिकेट कर रहा है, तो बस इसको फिर बंद किया, फिर मैंने इसमें रिंस एड ऐड किया, ये देखिए ये ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने ऑन किया। कोई काम अगर एक बार में हम हाउसवाइफ का हो जाए ना, किस किस के साथ ये होता है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो जी इसके साथ आज मैं आ गई हूँ वीडियो का एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विद पर्मा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।